सो हे गाइज, वेलकम बैक टू एजुकेटिंग पोकेमोन। सो गाइज, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप पहचान ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। सो हाँ गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लार्जेस्ट पोकेमोन। सो गाइज, पोकेमोन फ्रेंचाइजी में बहुत सारे पोकेमोन हैं, कुछ लेजेंडरी, कुछ नॉन लेजेंडरी, कुछ सूडो लेजेंडरी पोकेमोन और गाइज और बहुत सारे पोकेमोन जो हैं बहुत ही लार्ज हैं। और हाँ गाइज, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 पोकेमोन के बारे में बात करेंगे। और गाइज, अगर आप सोच रहे हो कि इसमें सिर्फ लेजेंडरी और मिथिकल ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है, इसमें नॉन लेजेंडरी भी हैं। सो गाइज, हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा ओसम होने वाली है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, नंबर 10 पर आता है वह है मेगा गैराडोस। सो गाइज, मेगा गैराडोस जो है वह कांटो रीजन का पोकेमोन है और इसकी जो हाइट है वह है 21 फीट। और गाइज, मेगा गैराडोस की टाइपिंग डार्क एंड वाटर टाइप की है। और गाइज, ये जो है मिस्टी के पास भी था। और हाँ गाइज, इसकी जो हाइट 21 फीट है, जो कि डियाल का पाल क्या से भी ज़्यादा है। सो आप सोच सकते हो कि जो मेगा गैराडोस है वह कितना ऊंचा पोकेमोन है। सो गाइज, बात करें नंबर 9 की। सो गाइज, नंबर 9 पर आता है ग्रेटेना ओरिजिन फॉर्म। सो गाइज, जो ग्रेटेना है, सो उसके दो फॉर्म हैं। सो गाइज, बेस फॉर्म में तो वह उसकी हाइट जो है टॉप 10 में नहीं आती, पर जो उसकी ओरिजिन फॉर्म में उसकी हाइट ज़रूर आती है। उसकी हाइट हो जाती है 22 फीट। और गाइज, बात करें उसके नॉर्मल फॉर्म की हाइट की, सो गाइज, नॉर्मल फॉर्म में उसकी हाइट रहती है ओनली 15 फीट। सो इसके ओरिजिन फॉर्म में इसकी 22 फीट हो जाती है। और गाइज, ये सिनो रीजन का पोकेमोन है और क्रिएशन ट्रियो का एक मेंबर है। सो हाँ गाइज, जो ग्रेटेना का ओरिजिन फॉर्म आता है नंबर 9 पर। सो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 8 की। सो गाइज, नंबर 8 पर आता है हुएन रीजन का एक सबसे फेमस पोकेमोन। जी हाँ गाइज, वह है रेक्वेजा। रेक्वेजा जो है वह ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है और इसके पास एक मेगा एवोल्यूशन भी है। और गाइज, इसकी जो हाइट है वह है 23 फीट। और गाइज, ये मेरा फेवरेट पोकेमोन है। और गाइज, ड्रैगन टाइप में सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। और गाइज, ये जो पोकेमोन है ये आप में से बहुत का फेवरेट होगा। और हाँ गाइज, जो रेक्वेजा भी आता है नंबर 8 पर। सो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। सो गाइज, नंबर 7 पे जो पोकेमोन है, सो उसे देखकर आप शौक हो गए होंगे। सो गाइज, वह है ओनिक्स। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे ओनिक्स वो रेक्वेजा कैसे से लंबा है। जी हाँ गाइज, ओनिक्स जो है वह रेक्वेजा से लंबा है। इसकी हाइट है 28 फीट। सो गाइज, आप सोच सकते हो कितना ऊंचा पोकेमोन है। और ये जो है ये रॉक टाइप का पोकेमोन है और रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है। और गाइज, ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन है। ब्रोक के पास भी था, पर गाइज, मैं तो जब मैंने देखा इसकी हाइट 28 फीट है, रेक्वेजा डियाल का पाल कैसे भी लंबा, सो गाइज, मैं शौक हो गया था। सो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। सो गाइज, नंबर 6 पे जो पोकेमोन आता है वह है कैलिस्टीला। सो गाइज, कैलिस्टीला जो है वह जनरेशन 7 का पोकेमोन है, अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है। और गाइज, ये कैलिस्टीला की हाइट जो है वह है 30 फीट। और गाइज, ये अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है और इसकी हाइट इतनी है, ये तो मुझे नहीं पता था। पर गाइज, 30 फीट बहुत होता है यार। और कैलिस्टीला जो है वो रेक्वेजा क्वेजा से लंबी है। सो गाइज, हाँ, कैलिस्टीला जो आती है वो आती है नंबर 6 पर। सो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 की। सो गाइज, नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है, सो गाइज, वह है प्राइमल ग्राउडोन का राइवल। और गाइज, वह है प्राइमल कायोगर। सो गाइज, प्राइमल कायोगर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबा है, 32 फीट का है। और प्राइमल कायोगर वेल पे बेस्ड है और वेल भी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। और इसी तरह प्राइमल कायोगर भी बहुत ज़्यादा लंबा है, 32 फीट का है। और गाइज, इसका ये जो है होयन रीजन का पोकेमोन है और वेदर ट्री का एक मेम्बर है। और गाइज, ये वाटर टाइप का पोकेमोन है। जी हाँ गाइज, जो प्राइमल कायोगर आता है वह आता है नंबर 5 पर। से चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पे आता है वह, उसे देख के आप शौक हो जाओगे, वह है मेगा स्टीलिक्स। सो गाइज, ओनिक्स का इवोल्व फॉर्म स्टीलिक्स और स्टीलिक्स का इवोल्व फॉर्म मेगा स्टीलिक्स 34 फीट का है। आप सोच सकते हो 34 फीट प्राइमल कायोगर से भी लंबा स्टीलिक्स का ही। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो प्राइमल कायोगर है लड़ते हैं, इतने लंबे लगते हैं, मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में आ जाता है। और ये स्टीलिक्स मेगा स्टीलिक्स जो है वह ये लड़ लेते हैं टूर्नामेंट में। और गाइज, ये उस टाइम तो इतने बड़े नहीं लगते, पर जब हाइट देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने बड़े हैं, रेक्वेजा क्वेजा से लंबे। सो गाइज, आपने एनीमे में देखा होगा कि गेरेटीना, रेक्वेजा, डियाल्गा पालका, इन सबको कितना लंबा दिखाया है। पर गाइज, रियल में इनसे बड़े तो माइलोटिक, ओनिक्स, ये सब निकल रहे हैं भाई। क्या सेंस है, कोई सेंस है इस बात का? और हाँ गाइज, ये जो मेगा स्टीलिक्स है वो 34 फीट का है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो गाइज, नंबर 3 पे है एलोलन एग्जीक्यूटोर। सो गाइज, नॉर्मल एग्जीक्यूटोर की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं एलोलन एग्जीक्यूटोर। सो गाइज, एलोलन एग्जीक्यूटोर जो होते हैं, एलोलन पोकेमोन कुछ लंबे भी होते हैं। और गाइज, इनकी जो इसकी जो हाइट है वह 35 फीट की है।
सो गाइज आप सोच सकते हो कि 35 फीट बहुत होती है यार, और जनरेशन 7 का पोकेमोन है ऑफ कोर्स। और गाइज हाँ, ये जो है ये नंबर 3 पर आता है। चले बात कर लेते हैं नंबर 2 की। सो गाइज नंबर 2 पे आता है वेलोर्ड। सो गाइज वेलोर्ड आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है, 47 फीट भाई साहब, 47 फीट भाई। मैंने जब पहली बार देखा ना 47 फीट, ओ माई गॉड। गाइज ये वेल पे बेस्ट है ये भी, और आप वेल भी बहुत बड़ी होती है, तो ये भी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कि जो एस कैचम है वो कितना छोटा लग रहा है इसके सामने। सो गाइज कुछ होती है यार 47 फीट। और गाइज फाइनली जो नंबर 1 पर आता है, सो गाइज अगर आप नंबर 1 पे जो आता है सबसे लार्ज पोकेमोन, सो गाइज वह है जिससे हम उम्मीदें लगा रहे थे कि वो जो है सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन बनेगा, पर वो नहीं बन पाया। सो गाइज वह है एटर्नेटस। सो गाइज एटर्नेटस की हाइट जानकर आप शॉक हो जाओगे। सो गाइज वह है 65 फीट का। सो गाइज 65 फीट का, वैसे आप शॉक तो नहीं होंगे क्योंकि जब हमें एनीमे में दिखाया था सो इसने लगभग पूरा आसमान घेर लिया था, उस एरिया उस शहर का तो दिख ही नहीं रहा था लगभग। सो हाँ गाइज ये जनरेशन 8 का पोकेमोन है, ड्रैगन और पॉइजन टाइप का पोकेमोन है, और काफ़ी रेयर टाइपिंग है इसकी। और हाँ, सो हाँ गाइज एटर्नेटस आता है नंबर 1 पर। सो हाँ गाइज यही थी लिस्ट। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।